when you're watching, it's like entertainment, bro. And after that, like, what the fuck? And after that, like, why is doing that? And after that, भाई बढ़वा क्या बोल रही है? So आजकल मैं like serials ज़्यादा, you know, serial में क्या 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 इससे भी ज़्यादा entertainment वहाँ होता है, इससे भी ज़्यादा overacting वहाँ होती है, you know, उन्हें बताना होगा कि Jurassic Park movie release हो रही है तो वो पता ही नहीं कैसे, you know, Jurassic Park release हो रही है होती है तो या टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट यू नो ओवर एक्टिंग एंड ओवर एक्टिंग क्लीनिंग. सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. और आज हम इनसे पूरी और पूरी बात पूछेंगे. तो आप ड्रिंक क्यों करते हैं? No, I don't drink. I was just driving only. हाँ तो driving तो drink ना. You liar. So you are driving and you don't drink. If you are driving and you are drunk, okay? Don't tell me you're rubbish. Man, you're not getting what I'm trying to say. I was just driving. I don't drink. I don't even drink only. Why you don't drink and why you are driving? Tell me the truth. जनता जानना चाहती है आपका जवाब. Tell me the truth right now. Are you like mad or what? हाँ तो देखा आपने? देखा ना जनता आपने? ये इंसान drink and drive करने के बाद ये इंसान मीडिया वालों को गाली भी दे रहा है. रुकिए, हम और लोगों से सवाल पूछते हैं. आपको बोलना चाहिए आप. अरे सॉरी, ये तो पेंटिंग है, खुल गया था. एक सेकंड. हाँ तो आप drink and drive क्यों करते हैं? I told you I was just driving. I don't even drink. Can't you understand? Don't you have mind? तो देखा आपने कि कैसे ये सनातन इंसान झूठ बोल रहा है. अगर आप गाड़ी चला रहे हैं इसका मतलब है आप पीते हैं. अगर आप नहीं पीते होते तो आप गाड़ी नहीं चलाते. अगर आप गाड़ी चला रहे हैं इसका मतलब आप पीते हैं. इसी को बोलते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव. और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं इसका मतलब है आप पीते हैं. अगर आप नहीं पीते तो आप गाड़ी नहीं चलाते. आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी सच्चाई तुरंत उगल दीजिए जनता के सामने, वरना हम आपकी बैंड बजा देंगे. अभी आप बोलिए कि हाँ आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे. बोलिए. जी क्या हाल है आपके? जी हाँ ठीक, आप सुनाइए आपके क्या हाल है? जी हम भी ठीक हैं. तो अंकल मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आजकल के यू नो ड्रगी के बारे में, बॉलीवुड में जो ड्रग्स चल रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये अंकल किसको बोला आपने? आपको बोला. व्हाट डू मीन बाय दैट? तो मैं क्या बोलूं आप? क्यों नहीं मुझे क्यों अंकल बोला आपने? अब आप कैमरे के सामने, अब कैमरे के सामने मुझे अंकल कैसे बोल सकते हो आप? अब मतलब हो कौन? ठीक है तो मैं आपको सर बोल देता हूं, वो चलेगा? नहीं आप जो भी बोलिए पर ये कैमरे के सामने आप, आपसे तो मैं 4 साल छोटा हूं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, आप मुझे अंकल बोल रहे हो. आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं उसको ये चुम्मर बना देता अभी. तो आप तो कैमरे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मतलब अंकल बोलने की? आपकी जगह कोई और होता ना मैं आपकी सच बता रहा हूँ उसका यहीं पे बैंगन का भरता बना देता. आप जाके किसी और का इंटरव्यू लो, जो कोई ढीला ढाला आदमी हो ना, जाके कोई और इंटरव्यू लो उसका. मैं तो आपको यहीं टेल दूंगा. अच्छा ठीक है चलिए मैं आपको सर बोल देता हूँ. मैं भाई ना मार देने वाला आदमी हूँ. मेरे को अंकल वंकल मत बोलो. ये कैमरा लेके ना अभी घर नहीं जाते तुम, यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाते. जाके किसी ढीले डाले इंसान के इंटरव्यू लो. हटाए कैमरा मेरे सामने से. तो फिर मैं आपको बेटा तो बोल नहीं सकता हूँ. बेटा मत बोलिए आप. 2 सेकंड आप यहाँ पे रुके मत मेरे सामने. 2 सेकंड और आप रुके ना आपकी हड्डी पिछली मैं यहीं पे तोड़ दूंगा. आपके कैमरे के सामने आपकी हशर हो जाएगी आपके न्यूज चैनल पर. निकल रहा हूँ यहाँ से. अभी तू है कौन? हु आर यू? What do you mean by who are you? Who am I? बताओ मैं आपके बारे में. मैं वो हूं जो आपकी चड्डी उतार भी सकता है और आपकी चड्डी को पहनवा भी सकता है, समझे आप? अच्छा तो आप मेरे आया हो. What do you mean? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की एक मीडिया वाले इंसान से? हाँ आपकी ये हिम्मत जरूरत कैसे हुई? आप तुरंत मैं आपके सामने 10 तक गिनती गिनूंगा. अगर आपने 10 की गिनती में अगर आपने मुझे सॉरी नहीं बोला तो आप देख लेंगे कि इसका हर्ष क्या होगा. समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? मैं सॉरी क्यों बोलूं? गिनती गिनने जा रहा हूं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 गिनती तक का मौका है. अगर आपने 10 की गिनती तक में अपना अभी आपने सॉरी नहीं बोला तो आप देख लेंगे क्या. सॉरी क्यों बोलू मैं? 1 2 अभी भी आपके पास है वक्त. आप सॉरी बोल दीजिए. 3
छोड़िए, आपने भगवान से पंगा लिया है, आप मीडिया वालों को जानते नहीं है, आपका भगवान माफ नहीं करेगा, समझ में आ रहा है आपको? आपने सॉरी नहीं बोला, अब आप देखिए क्या होता है आपके साथ, क्या होगा आपका हश्र। और इसी तरह जनता आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको इनकी सच्चाई पूरी दिखा के रहूंगा। आप क्यों बोलना चाहते हैं? मैं बहुत ठंड हूँ, चल चल, आप बहुत ठंडे दिख रहे हैं इस वक्त, तो आप इसी वक्त इसी समय अभी के अभी आप इस ठंडे जमाने में आप ठंडे स्वभाव में मेरे गर्म सवालों का जवाब दीजिए। हाँ चल पूछिए, माइक में मैं मुंह में ले लेता हूँ साले। आज वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं भी रिपोर्ट से आया एंड समथिंग वॉज नॉट वेरी वेल, इट विल बी फाइन, लाइक थोड़ा टाइम लगेगा, बट देन आई हैव टू शूट दिस वीडियो, सो डेफिनेटली आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यू नो जो भी इस लाइन में है अगर वो देख रहे हैं, मतलब मेरा किसी भी तरीके से उनको बुरा लगाने का कोई मतलब नहीं है, बट आप कुछ चीजें ऐसी दिखाते हो जिसकी वजह से मतलब घर पे असर होना पड़ जाता है। मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोलता हूँ कि मतलब मेरे मॉम डैड ऐसे नहीं है कि मतलब आपके घटिया वाहिया न्यूज देख के मतलब ऐसे जजमेंट बना लेता हूँ, पास कर लेता हूँ और फिर मेरे को उस फील्ड में ही जाना, बट ऐसे बहुत सारी दुनिया है जो आप लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होती है, तो आप ऐसी चीजें दिखाइए जिससे मतलब इंसान मोटिवेट हो और कुछ अच्छा करे लाइफ में, ना कि आप जो कर रहे हो यार, इट फील्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग और सैड, यू नो कि है तो कुछ अच्छे भी हैं। एंड आई वुड से जो लोग देखते हैं प्लीज आप लोग वो बंद करिए, आप लोग देखना बंद करेंगे, आप लोग उन्हें सपोर्ट करना बंद करेंगे जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, यू नो हर चीज एंटरटेनमेंट नहीं हो सकती, मेरे को भी बड़ा मजा आ रहा है जैसे वो बोलते हैं, बट देन डेफिनेटली आई डोंट सपोर्ट एंड मैं अब नहीं देखता यार, मतलब आई फील रियली सैड अबाउट दिस पीपल की ये लोग ऐसे थॉट्स रखते हैं ऑडियंस के सामने जो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनके सामने, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फीलिंग विच इज गोइंग ऑन हॉस्पिटल की वजह से, इन सब की चीजों की वजह से भी, देन मेरी शूटिंग भी कैंसिल हो गई, अब दिवाली के बाद विल गो फॉर द शूट एंड अभी तो ऐसे कुछ प्लान है, सो माई बियर्ड विल बी, इफ यू गाइस लाइक माई वीडियो देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, जो कि कोई करता नहीं है, सो आई एम वर्किंग हार्ड एंड लेट्स सी व्हेन माइक को बोलिए माइक। तो मेरे भाई को बड़ा मजा आता है वीडियो शूट करने में, मतलब मैं जितना एंजॉय नहीं करता हूँ, मतलब मैं ऐसे फालतू में ऐसे सैड हो बैठा हूँ, उसको वो माइक और कैमरे के सामने लिटरली यूज टू माइक गुस्सा आता है, उसकी वजह से उनको कई सीन्स ऐड करने पड़ते हैं, तो पहले बड़ा बहुत बोर होता था, जब से ये सारी चीजें शूट करके तब से ही इज लाइक ब्रो आई एम अ प्रो, तो वो ऐसा है। सो यार इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज हैशटैग ग्रुप बाय बाय।